छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं और अपने अपने क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो 21 विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। जिन विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों को टिकट मिल गया, वह अपने अपने क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं और जीत के दावे भी करते नजर आ रहे हैं। वहीं सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों सर्व हिंदू समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रबोद मिंज, जो ईसाई समुदाय से संबंध रखते हैं, खुलकर विरोध प्रकट करते नजर आए। सर्व हिंदू समाज का मानना है कि एक और भारतीय जनता पार्टी जहां डीलिस्टिंग का समर्थन करती है, वहीं 90 से 95% हिंदू आबादी वाले क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति को अपना प्रत्याशी घोषित करती है। ये भाजपा का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। यदि भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं बदलती तो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से निश्चित ही सर्व हिंदू समाज इकाई समुदाय से संबंध रखने वाले प्रबोद मिंज को हार का मुंह दिखाएंगे। बहरहाल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में घोषित प्रत्याशियों का टिकट वापस नहीं लिया जाएगा, ना किसी प्रकार का फेरबदल किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि सर्व हिंदू समाज का विरोध पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने क्या मायने रखता है। जी, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ठाकुर दयाल पैकरा है। किस प्रकार का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? यहाँ एक लुंड्रा एक एसटी सीट का है, आदिवासी आरक्षित सीट है, इसमें एक अल्पसंख्यक को टिकट यहाँ से दिया गया है, इसलिए हम लोग उसको उसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं किसी भी एक हिंदू आदिवासी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। कौन है वो? प्रमोद मिंज जी है और वो एक भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनको क्या लगता है, वो अगर जीतते हैं तो क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। वो अपना वो चीज़ है, अंबिकापुर के आदमी है, हम लोकल यहीं के आदमी देखना चाहते हैं, लुंड्रा विधानसभा के अंतर्गत हो और एक हिंदू आदिवासी हो। अगर यदि बदलाव नहीं होता है तो हम सभी हिंदू धर्म वाले हम भाजपा का विरोध करेंगे। नहीं, हम किसी भी हिंदू प्रत्याशी को जिताएंगे पर हम भाजपा को नहीं जिताएंगे, जो एक अल्पसंख्यक को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ प्रत्याशी का विरोध है यहाँ, क्योंकि एसटी सीट है और यहाँ अल्पसंख्यक को दिया गया है टिकट, इसका हम खुलकर विरोध कर रहे हैं। आप लोग यहाँ किसको चाहते हैं? अगर का दो कोई नाम है? हम किसी भी हिंदू प्रत्याशी को दें, हम उनको जिता के यहाँ विधानसभा जिताएंगे और विधायक के रूप में देंगे। मगर फिर भी कुछ सोचोगे आप लोग एक आध कोई नाम दो? नहीं, हम किसी भी हिंदू को दें। यहाँ हिंदू बाहुल्य संख्या है, यहाँ 95% हिंदू की संख्या है, केवल 5% ईसाई है। यहाँ दावेदारों की दावेदार बहुत सारे हैं, 15-16 दावेदार हैं। क्या उनको भाजपा को क्या हिंदू प्रत्याशी नहीं दिखे, जो एक अल्पसंख्यक को दिया गया है टिकट? जी भाई साहब, मेरा नाम बिहारी लाल उराव है, मैं लखनपुर में जनपद सदस्य भी हूं और जनजाति गौरव जनजाति सुरक्षा मंच का जिला संयोजक हूं। आज यह मसला बताइएगा कि क्या है और किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारा गया है और प्रत्याशी में वो भी लुंड्रा विधानसभा पे अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के सम्मानीय प्रबोध मीन जी को उतारा गया है, जो ईसाई अल्पसंख्यक है और क्षेत्र जो है 90-95% की आबादी जो हिंदू है, उनकी जनभावना के खिलाफ में ये उतारा गया प्रत्याशी। प्रत्याशी को चेंज नहीं किया जाता है, इस में आप लोग आगे की रणनीति क्या होगी? जी, हम जन जागरण करेंगे, हिंदू परिवार के बीच में जाएंगे कि कोई भी आदिवासी हिंदू परिवार का हो, वो उनको अगर प्रत्याशी मिलते हैं तो वो उनको वोट करें। सीट बदलाव नहीं होती, इसको लेकर क्या करेंगे? जी, हम प्रयासरत हैं और उनके हिसाब से ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन में भाई ऊपर एक बार पुनर्विचार करें, हम ये चाह रहे हैं। नहीं, हम विरोधी नहीं हैं, हम भाजपा के विरोधी नहीं हैं। वो भाजपा हमारे हिंदुत्व परिवार का विचारधारा का उचित परिवार हम मानते हैं वो पार्टी, लेकिन अगर वो परिवार को ही अपना परिवार नहीं मानता है तो हम भी उसके बारे में विचार तो करेंगे ही।